और इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही, जहां पटाखे के गोदाम में धमाके में चार लोगों की मौत हो गई है। साहिबाबाद के फरूख नगर में ये धमाका हुआ। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। तो फरूख नगर की अगर बात करें तो यहां बड़े स्तर पर आतिशबाजी यहां बनती है, आतिशबाजी का सामान बनता है, और यही वजह है कि यहाँ बारूद जगह जगह रहता है आतिशबाजी बनाने के लिए। और ऐसे में एक धमाका हुआ है। संजय गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और जानकारी लेंगे। तो संजय जरा बताएं कैसे ये बड़ा हादसा हुआ और कितना नुकसान हुआ इसमें? जी हाँ प्रीति, साहिबाबाद के फरूख नगर इलाके की घटना है, जहाँ बड़े स्तर पर आतिशबाजी बनाने का काम चलता है। और अब क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में आतिशबाजी बनाने का जो विस्फोटक गोले होते हैं और ये तमाम चीजें बनाने का यहाँ काम चल रहा था, इसी दौरान चिंगारी से यह आग भड़की है और वहाँ लगातार कई धमाके हुए हैं, जिसमें गोदाम का जो मालिक था आरिफ उर्फ पप्पू, इसके साथ ही तीन और लोग उस समय उस गोदाम में मौजूद थे, चारों लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि सूचना के बाद दमकल की जो टीम है, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। जी जी, तो संजय यहां पर क्या जानकारी मिली है, क्या कोई और ऐसे जख्मी लोग हो सकते हैं या फिर जो भी यहां थे इस गोदाम के अंदर सबको निकाल लिया गया है? जी संजय, तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और क्योंकि बड़े स्तर पर यहां पर आतिशबाजी बनाई जाती है, निर्माण होता है उनका, तो ऐसे में बारूद रहते हैं गोदाम में, तो धमाका हुआ, इसमें चार लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी दर्दनाक तस्वीरें ये हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। साहिबाबाद के फरूख नगर की ये घटना है, जहाँ पटाखों के गोदाम में आग लगी और उसके बाद यहाँ चार लोगों की जान चली गई। और इस समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, जहां पटाखे के गोदाम में भीषण आग लगी है और इस अग्निकांड में चार लोगों की जान चली गई। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो फिलहाल यहां पर और नुकसान को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है।